लो जी गुरुद्वारा साहब आए थे तो जिदा मैं पिछली वीडियो से दस कि बाबा जी जे संत प्रताप सिंह जी वो अकाल चलाना करके ने अज उन्होंने अंतिम दर्शन लिए संगत आई हुई सी। उन्हों का पार्थिव शरीर गुरुद्वारा साहब लिया अज फिर गुरुद्वारा साहब तो उन्होंने शमशान घाट उन्होंने पार्थिव शरीर लैके जाया जाएगा। तो मैं हाँ जी गाइस आज मेरे नाल ने मिस्टर बलराज सिंह काफी चिर बाद कोई पंजाबी मेरी कैब च बैठा है मैनू बहुत चंगा लगे थे। मैं कुछ ना कुछ सवाल पूछांगा मैनू जवराज ने चलदी गड्डी चोण मैं गड्डी पार की दसिया सीगा कि स्पेशल बॉक्सिंग करते ने और इन्हों का काफी मतलब तुसी बॉक्सिंग करते है ना जी वेरी गुड यार ते बहुत चंगा लगा क्योंकि अपने पंजाबी ये चीजा मतलब करते नहीं मतलब बॉक्सिंग या किसी भी स्पोर्ट्स च पैना बड़ी अच्छी गल है। रिसेंटली दस कि यूएसए जाके आए हो कि बड़ी चंगी गल यार बड़ा अच्छा लगा बलराज सिंह जी थैंक यू फॉर योर टाइम आई एम वेरी एप्रिशिएट यार थैंक यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर चीयर्स थैंक यू वेरी मच। जी आप पहुंच गए वुलिश फैरी से। वुलिश फैरी यह की है कि इतने ब्रिज नहीं है समुद्र में पार कराने लिए शिप ने वो अज एको शिप काम कर रहा है तो अगर आप दूजे पास जाइए तो 8-10 मील का सफर पै जाता है घूम के आना पैंता ब्लैक वर्ल्ड टनल तनी लेकिन यह जो वुलिश तो इलफोर्ड में बड़ा नेड़ियों जोड़ता है जस्ट 1 माइल। नैक्सट शिप की वेट करते हैं क्यू च लगे हुए हैं उस तो बाद असी गड्डी शिप ते ले जांगे ते थोड़ा चिर मैं देखा कि थेम्स रिवर का व्यू देख लैने जिन्ना चिर शिप नहीं आता। लो जी आपां ते गड्डी पार्क करती शिप के उपर हुण शिप उस किनारे तो निकल के सानू साउथ वाले किनारे तो लैके ईस्ट वाले कोने ते लैके जाएगा। उपर ड्राइवर का कैबिन है सारा कंट्रोल वो उपरों बैठ के सारा कंट्रोल करता है बस यही है थले इंजन हैगा है। तो उपर ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है तो लगभग शिप के 25-30 कारा आ जाती ने मगर लोरिया भी आ जाती तकरीबन 5-6 लोरिया बड़बड़िया जो ट्रक होंगे ने वो भी आ जाते हैं बहुत हैवी लोड लैके जाता शिप है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
ਗੁਰਜਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਸੋਫੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਕੀ ਸਾਰਾ ਫਲੋਰ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਟੱਪਦਾ। ਗੁਰਤਾਜ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਫਲੋਰ ਤੋੜਦਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਣੀ ਆਲੂ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੈਕ ਡੈਨੀਅਲ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੀ ਪੈਗ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਦਵੇਂ ਪਈ। ਤੇ ਗੁਰਤਾਜ ਤੂੰ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਖੀਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ। ਆ ਦੇਖੋ